हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रीशन इन ह्यूमन स्टार्ट कर दिया था इज इट ओके और जब बात हम न्यूट्रीशन प्रोसेस की करते हैं तो जो न्यूट्रीशन प्रोसेस है एनिमल चाहे कोई सा भी हो चाहे एमीबा हो चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो चाहे और भी बड़ा एलिफेंट हो इज इट ओके जब भी बात इस न्यूट्रीशन की प्रोसेस की जाती है तो ये जो न्यूट्रीशन प्रोसेस है ये फाइव स्टेप्स में जाकर कंप्लीट होता है कितनी स्टेप्स में फाइव स्टेप्स में तो इस न्यूट्रिशन की जो फर्स्ट स्टेप है इंजेशन दैट इंजेशन इज डन हमने जान लिया था कि ह्यूमन बींग्स में इंजेशन कैसे होता है ये तो हम वैसे भी जानते हैं भूलिएगा मत इंजेशन कैन बी डिफाइंड एज द इनटेक ऑफ फूड इनटू द इंडिविजुअल इज इट ओके बॉडी में फूड का एंटर होना इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को बोला जाता है इंजेशन। और ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो इस इंजेशन के प्रोसेस के लिए उनके पास में स्पेशली डिजाइंड ऑर्गन होता है दैट इज माउथ ओके जो सेकेंड स्टेप होती है इस न्यूट्रिशन प्रोसेस की दिस इज डाइजेशन एंड डाइजेशन इज़ वॉट डाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल ऑफ फूड इंटू सिंपलर सोल्यूबल पार्टिकल्स इज इट ओके तो दैट इज ऑल्सो डन एक बहुत ही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ में ये डाइजेशन कैसे कम्प्लीट होता है ह्यूमन्स में ये हम फुल डिटेल में पढ़ चुके हैं इज इट ओके अब जो थर्ड स्टेप है न्यूट्रीशन प्रोसेस की दिस थर्ड स्टेप इज डिफाइंड एज द एब्जॉर्बन एबजॉर्प्शन ऑफ वॉट एब्जॉर्प्शन किसका होगा डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन जो होगा वो होगा डाइजेस्ट फूड का इज इट ओके तो अब हमको पढ़ना है ह्यूमन बींग्स में जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है वो बॉडी में एब्जॉर्ब कहाँ से होगा इज इट ओके तो चलिए हम जानते हैं देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि खाने के जो डाइजेस्टेड जो फूड है उस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्बशन कहाँ पर होता है तो आपको याद रखना है इट इज़ डन इन दिस पार्ट पहचान गए क्या आप इस पार्ट को चलिए मैं अभी आपको यहाँ पर नाम लिख कर के दोबारा याद दिला देती हूँ ये पूरा पार्ट हमको बनाना है यहाँ पर ये हमने बना लिया है और सुनिएगा आप ध्यान से इसके क्या फंक्शंस हैं लुक है Look ये जो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा दिखाई आपको दे रहा है दोबारा सुनिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का दिस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोला जाता है इस पार्ट को इस पार्ट को बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन इज इट ओके और स्मॉल इंटेस्टाइन में दो इम्पॉर्टेंट काम कंप्लीट होते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन के कौन से दो काम पहला काम तो जो आपके खाने का डाइजेशन कंप्लीट होता है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है तो अगर आपसे एक मार्क में क्वेश्चन पूछा जाए नेम द ऑर्गेन वेयर द डाइजेशन ऑफ फूड Completes in the human body, then your answer is small intestine. It can be small intestine, and this particular part of small intestine is also known as ileum. So, you can write ileum. Bhi sakte hain. Is it okay? अच्छा जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम इस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पहला काम तो याद रहेगा ना आपको फर्स्ट काम क्या होता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड इज़ डन इज इट ओके फाइनली जो फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है वो कहाँ कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में दूसरा काम होता है कि खाना पूरा डाइजेस्ट हो चुका है ना दिस फूड हैज़ टू बी एब्जॉर्ब इस खाने का क्या करवाना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा तो वो एब्जॉर्ब्शन भी कहाँ से होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से इज इट ओके अब देखिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट हैज़ अ लॉट ऑफ ब्लड कैपलरीज ये किससे सराउंडड होता है दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज सराउंड विद अ लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज मतलब खाना सीधे यहाँ से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आपका डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर एंटर हो जाएगा ब्लड में और ये काम बहुत आसानी से हो पाए अच्छे तरीके से हो पाए मैक्सिमम डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में एंटर हो पाए उसके लिए ये जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई दे रहा है इसके अंदर ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं है ना द कंप्लीट इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज हैविंग दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इज इट ओके एंड दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इनसाइड द सर्फेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर नोन एजी क्या बोला जाता है इनको इनको बोला जाता है विली इज इट ओके और इस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होने की वजह से जो मैक्सिमम डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्व होकर के कहाँ पर पहुंच जाता है ब्लड कैपेलरीज के थ्रू ब्लड इज इट ओके तो हमारे इस प्रोसेस में कौन मदद करता है इस एब्जॉर्बन वाले प्रोसेस में कौन मदद करता है ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मदद करते हैं फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज इट ओके चलिए तो आगे चलते हैं और आगे हमें पढ़ना है इस न्यूट्रिशन प्रोसेस का फोर्थ स्टेप ओके ये जो फोर्थ स्टेप है न्यूट्रिशन प्रोसेस का दिस इज एसीमेशन कौन सा प्रोसेस पढ़ना है हमको एसीमिलेशन पढ़ना है ओके ये एसीमिलेशन क्या होता है देखिए अब ये जो ब्लड है आपका डाइजेस्टेड फूड अब कहाँ पर एंटर हो चुका है फाइनली दिस डाइजेस्टेड फूड इज़ एंटर्ड इन द ब्लड नाउ इज इट ओके तो अब क्या ब्लड में ही रिक्वायरमेंट है डाइजेस्टेड फूड की नहीं ये जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है ये हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल में रिक्वायर्ड है है या नहीं बिल्कुल है तो अब ये जो खाना एब्जॉर्ब हुआ था कहाँ से एब्जॉर्ब हुआ था नाम मत भूलिएगा इन द इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यू कैन राइट डाउन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो इज इट ओके तो ये जो आपका डाइजेस्टेड फूड है नाउ दिस डाइजेस्टेड फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल एंड दिस विल बी डन बाय द ब्लड एज दिस ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ circulatory system in our body so the main function of the blood is to transport each and everything in our body is it okay so this assimilation will be done with the help of blood okay now the fifth step of this nutrition process is egestion so listen to me very carefully now what do you mean by egestion एजैशन का क्या मतलब होता है इजेशन कैन बी डिफाइंड एज द रिमूवल रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड अनडाइजेस्ट पार्ट ऑफ द फूड वेस्ट एंड अनडाइजेस्ट फूड इज नोन एज इजैशन is it okay so this how this ejection process is going to be done in the humans so listen to me very carefully kaise hoga ye ejection suniyega dhyan se is ejection process mein hamari body mein jo madad karta hai hamari this is large intestine तो मैं आसपास की सारी चीज़ें हटा देती हूँ ताकि आप इस इजेशन process को समझ पाएँ इजेशन process की definition याद रखिएगा इजेशन is defined as the removal of अनडाइजेस्टिड एंड वेस्ट पार्ट ऑफ फूड इज इट ओके तो देखिए बाकी सारी चीज़ें हटा दी गई हैं सुनिएगा ध्यान से हम अब पहुँचने वाले हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन द वाइडर पार्ट दिस वाइडर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन इज़ इट ओके मैंने शायद आपको पहले भी बताया था और नहीं बताया तो दोबारा बता देती हूँ ध्यान से सुनिएगा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ वेरी लॉन्ग है ना बहुत कॉम्प्लेक्स घूमा फिरा ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये हाउ मच लॉन्ग इट इज दिस इज अबाउट 6.5 पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग विच पार्ट ऑफ आर इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन देन ऑल्सो इट इज़ नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज दिस इज नैरो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ नैरो होने के कारण इतना लंबा होने के बावजूद इस इंटेस्टाइन को स्मॉल बोला जाता है और सिमिलरली ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसे लार्ज बोलने का कारण सिर्फ ये है दैट इट इज़ वाइडर व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इट ओके दिख रहा है ना आपको वाइडर देखिए बहुत छोटा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के कम्पेरिटिवली पर सिर्फ और सिर्फ इसके वाइडर होने के कारण हम इसको क्या बोला करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन बोला करते हैं इज इट ओके चलिए देखिए आगे सुनिएगा ध्यान से ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है दिस दिस पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन टिल हेयर दिस इज नोन एज कोलोन क्या बोला जाता है इसको कोलोन बोला जाता है एंड दिस पोर्शन इज नोन एज रेक्टम एंड दिस इज नोन एज एनस तो okay? so अब हमें पढ़ना है है मैं आपको बता चुकी हूं. क्या रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड वेस्ट फूड तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो भी खाना बचा है जो अनडाइजेस्टेड है अभी तक जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड अब कहाँ एंटर होने वाला है वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड अब एंटर हो चुका है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में इज इट ओके और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स जो कवरिंग आपको दिखाई दे रही है ये इस अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड में से वाटर को क्या कर लिया करती है एब्जॉर्ब इज इट ओके तो वाटर को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन मतलब इस एजेशन में जो वेस्ट पार्ट था उस वेस्ट पार्ट में से क्या एब्जॉर्ब कर लिया गया है वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया है नाउ यू कैन से द वेस्ट प्रोडक्ट इज इन द सॉलिड स्टेट एंड दैट सॉलिड वेस्ट विल बी स्टोर्ड इन द रैक्टम टेम्परेरली एंड फाइनली विल बी रिमूव्ड थ्रू द एनस इज इट ओके सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रीशन ओके तो न्यूट्रीशन ह्यूमन बींग्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं अच्छा सुनिए एक आप ध्यान से जब हम बात न्यूट्रीशन प्रोसेस की ही कर रहे हैं तो ह्यूमन्स में तो हमें जो जो बातें जाननी थी वो हम जान चुके हैं पर एक बार हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है पूछा जाता है एग्जाम्स में यूजुअली दैट व्हेन बी टॉक अबाउट द हर्बी एनिमल जानते हैं ना आप हरबी वोर हर्बी वोर आर दोज विच डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द ग्रीन प्लांट्स इज इट ओके जो सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं इज इट ओके बात समझ में आ गई इन हर्बीवोर वोर के इंटेस्टाइन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि हर्बीवोर वोर का जो इंटेस्टाइन होता है दैट इज वेरी वेरी लॉन्ग बहुत लंबा इंटेस्टाइन होता है आपको पता है क्यों क्योंकि इनका खाना वैसे तो सिर्फ ग्रीन लीव्स और ग्रीन फूड ही होता है ग्रीन प्लांट्स ही होता है सिर्फ और सिर्फ इनका खाना पर ग्रीन प्लांट्स की याद है आपको सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज और इस सेल्यूलोर्स को डाइजेस्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है बिकॉज ऑफ दैट ओनली ऑल द हर्बी वर्स आर हैविंग अ वेरी बिग बिग इंटेस्टाइन इज इट ओके तो इस बात को आप याद रखिएगा और इसी के साथ में जो हमारा फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है विच इज़ न्यूट्रीशन दैट इज़ डन तो न्यूट्रिशन प्रोसेस हम खत्म कर चुके हैं हमारे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में एक लाइफ प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं अब हम सेकेंड लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं सुनिएगा ध्यान से ये जो हम सेकेंड लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नो डाउट ईच एंड एवरी लाइफ प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट ओके तो नाउ लुक हेयर वे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेकंड लाइफ प्रोसेस द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज रेस्पिरेशन हम क्या शुरू करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन शुरू करने जा रहे हैं इज इट ओके तो रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है इज इट ओके okay? देखिएगा सुनिएगा ध्यान से दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये दो स्टेप में जाकर कंप्लीट होता है स्टेप वन एंड स्टेप टू वैसे तो उसमें इंटरनली बहुत सारी स्टेप्स हैं पर फिलहाल अगर ओवरऑल एक प्रोसेस को हम हिस्सों में डिवाइड करना चाहें देन देयर आर टू स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसेस रेस्पिरेशन एंड दीज टू स्टेप्स ऑफ दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस इज फर्स्ट इज ब्रीथिंग जो फर्स्ट स्टेप है इस रेस्पिरेशन का वो क्या होता है ब्रीथिंग एंड द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस रेस्पिरेशन इज़ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इट ओके तो ये दो स्टेप्स हमको यहाँ पर पढ़ने हैं ये रेस्पिरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है हर बात को ध्यान से सुनिएगा चलिए तो और समझते हैं देखिए ब्रीथिंग हम बाद में पढ़ेंगे जो पहले हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इट ओके पर हम हल्का सा जान तो लें कि ये ब्रीदिंग का मतलब होता क्या है तो ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है दिस इज ओनली एंड ओनली इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड एग्जेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बस इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है ब्रीदिंग प्रोसेस बोला जाता है है ना इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्जेलेसन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इसमें कोई केमिकल रिएक्शन कोई बहुत सारे एंजाइम्स इन सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कोई कैटलिस्ट नो रिएक्शन नो सेल नथिंग इज रिक्वायर्ड इज इट ओके तो ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है यू कैन से दिस इज ओनली एंड ओनली अ फिजिकल प्रोसेस है ना कोई केमिकल रिएक्शन इस ब्रीदिंग प्रोसेस में होती ही नहीं है अब दूसरा जो उसका स्टेप है रेस्पिरेशन प्रोसेस का दिस इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है ये कंप्लीटली एक कैसा प्रोसेस है दिस इज अ केमिकल प्रोसेस दैट मीन्स अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग टू टेक प्लेस टू कंप्लीट दिस प्रोसेस ऑफ cellular respiration, खूब सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी खूब सारे एंजाइम्स मदद करेंगे उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कंट्रोल करने के लिए इज़ इट ओके तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है इट्स अ केमिकल प्रोसेस और देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कहाँ होता है तो ये तो इसके नाम ने ही इंडिकेट कर दिया है दैट इट इज़ अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब ये जो केमिकल प्रोसेस हैं प्रोसेस नहीं है खूब सारी रिएक्शंस होंगी इसके साथ तो अलॉट ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड दे ऑल आर गोइंग टू टेक प्लेस इनसाइड अ सेल कहाँ पर होते हैं ये सारे प्रोसेस इनसाइड अ सेल इज इट ओके चलिए अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है अगर हम इसे एक लाइन में डिफाइन करना चाहें या जानना चाहें तो कैसे जानेंगे सुनिएगा ध्यान से दिस सेल्युलर रेस्पिरेशन कैन बी ओनली डिफाइंड बाय द लिबरेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी का लिब्रेशन करवाना है कहाँ से करवाना है फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड भाई खाना तो आपने खा लिया था न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस में है ना और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने पेट ने इंटेस्टाइन ने मिल मिल करके आपके खाने को डाइजेस्ट भी कर दिया था पर क्या खाने के डाइजेशन से आपको एनर्जी मिली नॉट एट ऑल तो एनर्जी भी तो मिलनी चाहिए ना हम खाना खा ही क्यों रहे हैं टू ऑप्टेन एनर्जी टू गेन एनर्जी इज इट ओके तो एनर्जी निकालने का प्रोसेस जो होता है खाना खाने के बाद में उसे डाइजेस्ट करने के बाद में उसमें से एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस होता है जैसे खींच के नहीं निकालनी पड़ती है इट इज गोइंग टू बी डन बाय द सेल्युलर रेस्पिरेशन एंड दैट विल बी डन इन साइड अ सेल एंड दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इट ओके तो चलिए हम यहाँ पर ब्रीदिंग को बाद में देखेंगे पहले हम देखेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन को तो चलिए हम सेल्युलर रेस्पिरेशन को फुल डिटेल में पढ़ेंगे उससे पहले ये इंट्रोडक्शन टाइप चार्ट है आप इसे नोट डाउन करेंगे ओके okay? तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन जरूर करें आप अपने नोट्स प्रिपेयर जरूर करें इज इट ओके तो हम अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं सुनिएगा ध्यान से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं सेल्युलर रेस्पिरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं कहां पर होगा सेल के अंदर क्या होगा इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी निकाली जाएगी कहां से निकाली जाएगी आपके डाइजेस्टेड फूड में से इज इट ओके चलिए तो निकालेंगे एनर्जी थोड़ी सी देर बाद सुनिएगा इस सेल्युलर रेस्पिरेशन को हम एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे सुनिएगा ध्यान से इसमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है सेल्युलर रेस्पिरेशन में वो होती है आपके खाने की कौन से खाने की डाइजेस्टेड फूड की इज इट ओके जो खाना डाइजेस्ट किया जा चुका है किसने डाइजेस्ट किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इज इट ओके सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही नहीं होता है ये डाइजेशन रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस इट इज डन इन ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उन सबके अंदर ये ग्लूकोज प्रेजेंट होता है हम सेल्युलर रेस्पिरेशन की बेसिक रिएक्शन लिखने जा रहे हैं एंड नाउ फॉर दिस सेल्यूलर रेस्पिरेशन दिस ग्लूकोज नीड ऑक्सीजन इसको किसकी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की ये ऑक्सीजन गैस किसी भी इंडिविजुअल को कैसे मिलती है बाय द इन्हेलेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्रीथ इन करके इज इट ओके एंड दिस ग्लूकोज़ कंबाइंस विद ऑक्सीजन देन थ्री प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं पहला प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ध्यान से सुनिएगा इज इट ओके जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है वाटर और जो तीसरा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एनर्जी आ गई बात समझ में तो वेन एवर दिस डाइजेस्टेड फूड विच इज ग्लूकोज है इज गोइंग टू कम्बाइंड विद द ऑक्सीजन गैस विच इज ऑपटेन बाय द प्रोसेस ऑफ इन्हेलेशन वेन दीज टू कम्बाइंड विद ईच अदर देन वॉट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म द फर्स्ट प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंड प्रोडक्ट इज वॉटर एंड थर्ड प्रोडक्ट इज एनर्जी इज इट ओके तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी बॉडी के लिए या किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के लिए प्लांट्स को छोड़कर है ना किसी भी लिविंग बॉडी के लिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दिस इज अ कंप्लीट वेस्ट प्रोडक्ट बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है ये बॉडी में बिल्कुल भी एक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए अगर बॉडी में ज़्यादा देर रही तो आपकी बॉडी को कोई ना कोई हार्म कर देगी ये इज इट ओके मतलब दिस प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली एकदम फटाफट से इसको बाहर निकालना होता है, है ना आगे देखिए सेकेंड प्रोडक्ट बना वाटर ये डिपेंड करता है कि ये वाटर वेस्ट है या नहीं है इज इट ओके अगर एक लिमिटेड क्वान्टिटी में बन रहा है देन दिस प्रोड्यूस्ड वाटर मे बी यूज बायर बॉडी और अगर जरूरत से ज़्यादा है पानी आपने पी भी बहुत लिया है बन भी बहुत गया है इन दैट कंडीशन दैट वॉटर विल बी रिमूव इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इज इट ओके एंड दिस थर्ड प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस दिस सेल्यूलर रेस्परेशन इज गोइंग टू बी डन ओके तो ये जो थर्ड प्रोडक्ट है ये थर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको एनर्जी अब ये एनर्जी हमें कौन से फॉर्म में मिल रही है कहाँ मिल रही है किस तरीके से मिल रही है सुनिएगा ध्यान से तो हम इस एनर्जी के बारे में जानेंगे और उसके बाद में हम इस रेस्पिरेशन को फुल डिटेल में पढ़ेंगे तो हम जानने जा रहे हैं कि आखिर ये एनर्जी जो बनी क्या आपने खाना खाया खाने को डाइजेस्ट किया सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ और जितनी एनर्जी बनी सारी फटाफट एक ही साथ में काम में ले ली नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है जितनी एनर्जी हमें उस मोमेंट पे रिक्वायर्ड होती है हम उस मोमेंट पे काम में ले लेते हैं बाकी बची हुई एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहती है वेन एवर यू इट वो आपको धीमे धीमे मिलती जाती है जब जरूरत है तब मिल जाती है ऐसा नहीं है ना कि जब जरूरत हो तब खाना खाना पड़ता हो आपको नहीं ऐसा नहीं है इवन हमारी बॉडी में दो से तीन दिन की एनर्जी हमेशा स्टोर रहती है मतलब आपको दो से तीन दिन तक खाना ना मिले तो भी आपको आपके लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी मिलती रहेगी तो अब हमको ये जानना है कि आखिर यह एनर्जी बनी कैसे और यह एनर्जी बनने के साथ साथ हमारी बॉडी में स्टोर हुई कैसे दोनों बातें जाननी है तो चलिए जानते हैं देखिए हमारी बॉडी में ये होता है ध्यान से देखना मैं क्या लिखने जा रही हूं दिस इज एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट ए डी पी बहुत से देखना इस एडीपी की फुल फॉर्म होती है ए फॉर एडीनाइन एडिनोसाइन डी फॉर डाई एंड पी फॉर फॉस्फेट ये इसकी फुल फॉर्म होती है इज इट ओके ए डी पी एडीनोसाइन डाई फॉसफेट ये है क्या एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट दिस इज ओनली एंड ओनली अ लो एनर्जी मॉलिक्यूल कहाँ पर होता है ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल ये हमारी बॉडी में सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है लो एनर्जी मॉलिक्यूल इज इट ओके बात समझ में ए डी पी ऑलरेडी प्रेजेंट इन आर सेल्स फुल फॉर्म इज डी फॉर डाई एंड पी फॉर फॉस्फेट इज इट ओके इस एडीनोसाइन डाई फॉस्फेट के पास में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अगर इसे मिल जाए बहुत ध्यान से देखना क्या मिल जाए इसको फॉस्फेट मॉलिक्यूल अब आप पूछेंगे कि ये कहाँ से मिलेगा तो सुनिएगा ध्यान से दिस फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आर सेल ये ए का मॉलिक्यूल भी हमारी सेल में प्रेजेंट है और ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल भी हमारी सेल में प्रेजेंट है जैसे ही सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ क्या बनी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होते ही देखा था ना अभी आपने प्रोडक्ट एनर्जी बनी मतलब ये जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल है ये एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होगा प्लस सेल्युलर रेस्पिरेशन से जो एनर्जी बनी है उस एनर्जी को गेन करेगा और उस एनर्जी को गेन करके ये चेंज हो जाएगा ए -टी -टी में अब ये ए क्या होता है ये ए की फुल फॉर्म होती है एडीनोसाइन टी फॉर ट्राई पी फॉर फॉस्फेट एंड दिस एडीनोसाइन ट्राई फॉस्फेट इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है ये ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है इज इट ओके तो मतलब आपकी सेल के अंदर एनर्जी किस मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर रहेगी एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में

कैसा मॉलिक्यूल है ये लो एनर्जी कहाँ प्रेजेंट था सेल में इसने सेल में ही प्रेजेंट एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल और सेल में ही बनी हुई सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी इन दोनों के साथ में इस एडीपी ने कंबाइन होकर के क्या बना लिया एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल विच इज एडीपी विच इज हैविंग थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट तो हमारी सेल में एनर्जी बनाने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एडीपी और एनर्जी को स्टोर करके रखने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एटीपी इज इट ओके तो हमारी बॉडी में एनर्जी कौन से मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर रहती है ए की फॉर्म में आप इसमें से एनर्जी जैसे निकालते जाओगे अपने लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए तो जैसे ही ए में से एनर्जी निकल जाएगी वैसे ही ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा ए में याद रहेगा ना ए को एनर्जी मिली तो क्या बन गया ए ए में से एनर्जी आपने अपने लाइफ प्रोसेस के लिए निकाल ली तो ये ए दोबारा किस में कन्वर्ट हो गया ए में याद रखिएगा इस बात को तो हमने यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन गेन कर ली है आप इस रिएक्शन को नोट डाउन करेंगे वीडियो पॉज करके और नोट डाउन करने के बाद में इस रेस्पिरेशन के बारे में हमें और भी बहुत कुछ जानना है बट दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास ओके सो बाय एवरी वन